नमस्कार, मैं ललित शर्मा अबेकस ज्ञान से आज एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपके सामने आया। अबेकस ओलंपियाड चैंपियनशिप यानी अबेकस का कॉम्पिटिशन, जिसका काफी दिनों से आप लोगों को इंतजार था। आप लोग रेगुलर मेरे को कॉल कर रहे हैं, सर कब कॉम्पिटिशन हो रहा है, कहाँ होगा, किस स्टेट में होगा। तो आज ये जानकारी के लिए मैं आपके सामने आया हूँ और मैं आपको अबेकस चैंपियनशिप के बारे में, अबेकस ओलंपियाड के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कंपटीशन हम लोग किस प्रकार अनाउंस करने जा रहे हैं और आप किस प्रकार अपने बच्चों को अटेंड करा सकते हैं। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और फिर भी कुछ अधूरी जानकारी रह जाए तो आप मेरे को कॉल करके या मेरे को व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। क्लियर। और दूसरे कॉम्पिटिशनों से बहुत ही अलग है, अलग ही इसकी इमेज है और ना केवल इंडिया, बहुत सारे देशों में अबेकस ओलंपियाड को एक अलग ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। यही कारण है कि अबेकस ज्ञान ने अबेकस ओलंपियाड के साथ मिलकर उनका मेंबरशिप लेकर और इसको अब हम लोग कॉम्पिटिशन को इंडिया में भी अरेंज कर रहे हैं। लगभग 6 से ज्यादा राज्यों में हम लोग इस कॉम्पिटिशन को अरेंज करने जा रहे हैं, जिसका डेट और प्लेस हम लोग अनाउंस करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो अबेकस ओलंपियाड है, दूसरे अदर अबेकस के कॉम्पिटिशनों से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? अदर कॉम्पिटिशनों में क्या होता है, 4 से 5 बच्चों को चैंपियन बनाया जाता है और बाकी के लगभग 95% बच्चे रिटर्न हो जाते हैं बिना कोई इनाम, बिना कोई गिफ्ट, बिना कोई सर्टिफिकेट के। हम ऐसा नहीं करते क्योंकि ये बच्चे का पहला कॉम्पिटिशन होता है जिसमें अगर बच्चे को निराशा हाथ लगे तो वो बहुत ज्यादा हॉपलेस हो जाएगा। हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम किसी भी कॉम्पिटिशन में जाने से घबराए, क्योंकि वो जब घर से निकलता है तो घर में ही उसको सभी लोग इस कॉम्पिटिशन के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। जब बच्चा बेस्ट ऑफ लक लेके जाता है तो वह भी जाता है कि घर जाके मैं अपनी ट्रॉफी, अपना सर्टिफिकेट दिखाऊं। तो इसकी वजह से हमने ऐसा किया है कि जो भी बच्चे 90% से ऊपर लेके आएंगे सभी को हम लोग चैंपियनशिप में लेंगे। वैसे तो जिन लोगों का 90% से कम भी है, जो भी बच्चा कॉम्पिटिशन में अटेंड करेगा उन्हें पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट एंड उनको ट्रॉफी तो दी जाएगी, लेकिन चैंपियन जिनका भी 90% से ऊपर होगा उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में लिया जाएगा। और दूसरी बात, हर बच्चे को हम एग्जाम की 2 कैटेगरीज में अटेंड करवाएंगे। अगर बच्चा किसी एक कैटेगरी के अंदर भी 90% लेके आता है तो वो क्वालिफाइड माना जाएगा। और इसके बाद हम लोग स्वयं दूसरे दिन, यानी एक दिन अगर आपका कॉम्पिटिशन है तो दूसरे दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इंडिया में ये कॉम्पिटिशन कब कब और कहाँ कहाँ किस डेट को हो रहा है। तो जो भी व्यक्ति अपने बच्चों को, जो भी सेंटर वाला, चाहे वो अबेकस ज्ञान से जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो, अगर वो भी अपने बच्चों को कॉम्पिटिशन अटेंड कराना चाहता है तो जरूरी नहीं है कि अबेकस ज्ञान के साथ जुड़ा हो। आप मेरे से मिले, मेरे को कॉल करें, मेरे से फॉर्म लेकर आप कॉम्पिटिशन में अपने बच्चों को अटेंड करा सकते हैं। और डेफिनेट हर बच्चे को हम लोग इनाम देंगे जिससे वो बच्चा हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। और हाँ, तो हम लोग, अब मैं आपको स्टेट वाइज बता देता हूँ किस किस स्टेट में कब कब कहाँ कहाँ होने वाले। और पहली बात, आप किसी भी स्टेट में रहते हो, आप किसी भी स्टेट में जाकर अपने बच्चों को कॉम्पिटिशन अरेंज करा सकते हो। कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि आप राजस्थान में रहते हैं लेकिन आपके लिए हमारा सेंटर दूर पड़ रहा है गंगापुर सिटी का, और दूसरे स्टेट का अगर टच में है आपके और वहां का स्टेट पास पड़ रहा है तो आप वहां भी कॉम्पिटिशन अरेंज करा सकते हैं। यानी आप किसी भी स्टेट में आप अपने बच्चों को कॉम्पिटिशन अरेंज करा सकते हैं, आप किसी भी स्टेट में रहने वाले हो। लेकिन आप मेरे को पहले इन्फॉर्म करेंगे कि आप कहाँ पर अपने बच्चों को अटेंड कराने वाले हैं। तो जो भी सेंटर वाले अपने बच्चों को कॉम्पिटिशन या कोई भी स्कूल भी इवन अपने बच्चों को कॉम्पिटिशन अरेंज कराना चाहता है तो मेरे को नंबर पे कॉल करें, मैं आपको उनको सिस्टमेटिक तरीके से और बता दूंगा। तो फिलहाल तो मैं आपको प्लेस बता देता हूँ और डेट बता देता हूँ एग्जाम्स का, तो आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश यूपी से। यूपी के बलिया शहर के अंदर हमारा कॉम्पिटिशन होगा और एक कॉम्पिटिशन का डेट है
सेकेंड दिसंबर यानी 2 दिसंबर को यूपी के बलिया में हम लोग कॉम्पिटिशन अरेंज करेंगे। सेकेंड मध्य प्रदेश एमपी के अंदर नीमच में हमारा कॉम्पिटिशन होगा 8 दिसंबर को कॉम्पिटिशन होगा और 9 दिसंबर को प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा, यानी सेकेंड डे एमपी के नीमच में। इसके बाद हमारा तीसरा स्टेट है बिहार। बिहार के कटिहार में हमारा कॉम्पिटिशन होगा और इसका डेट है 16 दिसंबर, यानी 16 दिसंबर को आप कटिहार में अटेंड करा सकते हैं बिहार में। उसके बाद नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू में ये कॉम्पिटिशन होगा और कॉम्पिटिशन का जो डेट है वो है 22 एंड 23, यानी 22 दिसंबर को कॉम्पिटिशन होगा और 23 को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेट है दिल्ली। दिल्ली के अंदर 6 जनवरी को कॉम्पिटिशन होगा, सबसे लास्ट में हम लोग दिल्ली में रखा हुआ है, 6 जनवरी को कॉम्पिटिशन होगा और उसके नेक्स्ट डे आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जितने भी लोग हैं जिनको नॉकआउट के अंदर सेलेक्ट होते हैं स्टेट के अंदर, जो हमारे स्टेट में नॉकआउट सेलेक्ट होके आएंगे उनका भी कॉम्पिटिशन यही होने वाला है। इसके अलावा राजस्थान के गंगापुर सिटी के अंदर मेरे सेंटर पे ये कॉम्पिटिशन भी अरेंज होगा, तो अगर आपको गंगापुर सिटी पास पड़ता है तो यहाँ अटेंड कराएं, या जो मैंने अभी नाम दिया है आप यहाँ भी अटेंड करा सकते हैं। और आपको स्क्रीन पर ये स्टेट और इनके डेट भी लिखा हुआ है, आप इन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसके अलावा हम इंडिया के अलावा कुछ और भी देशों में ओलंपियाड का कॉम्पिटिशन हो रहा है, जैसे उनका कुछ मैं उदाहरण बता देता हूँ आपको। एक तो लंदन में 19 जनवरी को होगा, इसके अलावा नीदरलैंड के अंदर 3 फरवरी को है और बेल्जियम में भी कॉम्पिटिशन है, उसका डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में डेट फाइनल नहीं हुआ है। तो इन स्टेट में यानी आउट ऑफ इंडिया भी हम कॉम्पिटिशन अरेंज करा रहे हैं अबिकस ओलंपियाड का। तो ये अबिकस ओलंपियाड एक महाकुंभ है, तो आप अधिक से अधिक अपने बच्चों को इस कॉम्पिटिशन में अरेंज करवाएं, बैठाएं। और इनकी जो फीस है वो मैं आपको पर्सनली फोन पे बता पाऊंगा कि पर बच्चे की फीस कितनी रहने वाली है, ये मैं ओपनली आपको पब्लिक में अनाउंस नहीं कर सकता। तो केवल कॉम्पिटिशन की फीस वही लोगों को बताऊंगा जो मेरे को कॉल करेंगे और अपने बच्चों को अटेंड कराने वाले हैं। तो ये हमारा एक समुदाय बनता जा रहा है, हमारे साथ बहुत सारे स्कूल बहुत सारे अदर अबेकस के सेंटर्स भी जुड़ते जा रहे हैं और इस कॉम्पिटिशन में अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, शुक्रिया और मेरे को कॉल करना अधिक जानकारी के लिए।